हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे साईं की, ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे साईं की। ओम साईं राम। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6, ईश्वर का ऐश्वर्य, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, मैं हूँ राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6, ईश्वर का ऐश्वर्य की आगे का संवाद हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो भक्त बाबा के इस महाग्रंथ श्री साईं ज्ञानेश्वरी की पावन कथा का श्रवण कर रहा है और लोगों में शेयर कर रहा है, तो आप सभी जानते नहीं कि जो भक्त इसे सुनता है उसकी सारी परेशानियों को शिरडी के साईं बाबा दूर करेंगे और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करेंगे। अगर आपके जीवन में कष्ट जाता है तो आप साप्ताहिक श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ का पाठ करें और अपने जीवन में उतारें। देखिएगा, बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आप जीवन पर्यंत साईं ज्ञानेश्वरी के इस ग्रंथ को हर भक्त में प्रसारित करेंगे और उन्हें पढ़ने का आग्रह करेंगे। अगर आपके पास साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज करें अपना नाम और डिटेल, तो हम आप तक साईं ज्ञानेश्वरी का ये महाग्रंथ उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बाबा खुद इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं, हम साईं की द्वारका माई से ये महाग्रंथ बाबा को सुना रहे हैं। देखिए, हमारे पीछे पे बैठे हुए हैं साईंनाथ महाराज, सामने भी बैठे हुए हैं। जब बाबा इतने प्यार से सुन रहे हैं तो हम और आप फिर क्या चीज़ है, क्यों ना इस कथा का आनंद लें और लोगों में भी इस कथा को शेयर करें, ताकि संसार में फैली इस महामारी का बाबा नाश करे और सब संकट और कष्ट को दूर करे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। यही प्रार्थना लेकर, हम यही उद्देश्य को लेकर बाबा को यह महाग्रंथ का पाठ साईं धाम के संचालक श्री कैलाश चंद गुप्ता, जो कि 1972 से बाबा की सेवा में रहता है, परम प्रिय मानस शिष्य और बाबा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं और आज भी बाबा की सेवा में निरंतर प्रयासरत हैं, उनके आदेशानुसार हम ये महाग्रंथ बाबा की द्वारिका माई से साईंनाथ महाराज को सुना रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की कथा की। पेड़से की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, तो पेड़से ने पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि शिरडी गांव में एक ऐसा संत या सज्जन फकीर नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। हाँ, वहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वह तरह तरह के ढोंग करता है और बैठा बैठा दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहाँ की मस्जिद में फरेब का अड्डा जमा रखा है और भोले भाले अज्ञानी लोग उसके झांसे में आते हैं और वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो और उसके दर्शन के लिए बेकार का हट मत करो। जिस प्रकार से नमक का ढेला कहीं से भी कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से नाना प्रकार के स्वांग रचने से कोई भिखारी खरा साधु या उत्तम श्रवण नहीं बन सकता। शायद तू नहीं जानती कि वह एक याचक है जो कि शिरडी के गलियों में भीख मांगता फिरता है, घर घर जाकर रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता है और अपना पेट भरता है। पेड़से की पत्नी ने श्री साईं के विषय में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उसके मन की आस्था तिल भर न डगमगाई। उसका हृदय सदगुरु श्री साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ घुमड़ रही थी। ना जाने कब मुझे श्री साईं के चरण कमलों के दर्शन का शुभ अवसर मिले, ना जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सिर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी सत इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी। भक्त की सत इच्छा भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेड़से के उस सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा और पेड़से की पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले चले, आप सरकारी काम कर लेना, तब तक मैं श्री साईं के दर्शन कर लूँगी। पेड़से ने पत्नी का प्रस्ताव मान लिया और पत्नी को साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेड़से ने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और उनकी सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद में जाकर, जी हाँ, इसी द्वारिका मस्जिद में आकर साईं के दर्शन के, जो कि शिरडी में स्थापित है, और श्री साईं के चरणों पर
अपना मस्तक रख दिया और उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। क्या ही शुभ दिन थे जिसने बाबा के दर्शन किए और बाबा के शीश चरणों पे अपना सिर नवाया। हम दिल से साईं के समर्पित हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा ऐसे ही अपनी शरण में भक्तों को बुलाए और उनके कष्टों को दूर करें। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। उसने पत्नी से कहा कि मैंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं पुण्य आत्मा हैं, वे सिद्ध योगी और ईश्वर अवतार हैं, उनमें कहीं कोई अवगुण नहीं, वे तो गुणों के भंडार हैं, आप उनकी निंदा ना करें, संभव हो तो एक बार श्री साईं के दर्शन करें। और पत्नी के आग्रह पर पेड़ से जैसे ही बाबा की द्वारिका माई के समीप पहुँचे वैसे ही श्री साईं भीतर से निकलकर मस्जिद के द्वार तक आए और उन्होंने हाथ में एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोले कि अगर तुमने मस्जिद की सीढ़ी पर पांव भी रखा तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। मैं एक ढोंगी साधु हूँ, मेरे दर्शन करके क्या करना, मैं जाति का मुसलमान हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, फिर मेरे दर्शन का क्या प्रयोजन है, तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, उच्च कुल संभूत हो, मेरे पैर छूने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे। श्री साई के क्रोधपूर्ण वचनों से पेड़से को अपने ही कथोकित की पतधनी सुनाई पड़ी और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी से काफ़ी समय पहले श्री साईं बाबा के विषय में जो शब्द कटु वचन बोले थे उसकी जानकारी श्री साईं को शिरडी में बैठे बैठे कैसे प्राप्त हो गई। पेड़से की ही कटु उक्ति श्री साईं पेड़से को सुना रहे थे। श्री साईं शिरडी में थे और दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, उनको उसकी संपूर्ण जानकारी थी। पेड़से ने मन ही मन कहा, बाबा आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी लीला अपरंपार है, बाबा मुझे क्षमा करें। और वह भी बाबा का भक्त बन गया। बहुत ही पावन कथा थी, इसलिए कहते हैं कि बाबा से कुछ भी छुपा नहीं है, आप कुछ भी काम कर लें, साईं को सब पता है। अगर आप साईं के सच्चे भक्त हैं तो दिल से बाबा को माने और बाबा के बताए हुए मार्ग पे चलें, देखिए आपका जीवन इतना अच्छे से कटेगा और साईं की अपार कृपा बनी रहेगी। आप सभी देख सकते हैं अभी थोड़ा सा चेहरे में उदासी आ गई, इसलिए कि ऐसा लगा कि साईं के समीप पहुँच चुका हूँ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। चलिए आगे चलते हैं। एक दिन श्री साईं ने अप्पा कुलकर्णी को सहज भाव से कहा कि आज हमारे गांव में चोर घुस गए हैं, इसे सत्य और निश्चित समझो। इन चोरों का अंदाज बिल्कुल ही निराला है, ये घर से वस्तुएं और सामग्री उठाकर नहीं ले जाते, इनकी दृष्टि व्यक्ति की सबसे अनमोल संपत्ति पर केंद्रित रहती है जिसे वे हर कर ले जाते हैं। यह अनोखा चोर किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, यह बड़ा धूर्त है। यह चोर सबसे पहले तुम्हारे घर में घुसेगा और तुझ पर सवार होगा, अतः तुम इसके आक्रमण करने से पहले ठीक प्रकार से सारा बंदोबस्त कर लो। उसी रात अप्पा कुलकर्णी को हैजा हो गया, उनका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, धड़कन भी धीरी हो गई, उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। श्रीमती कुलकर्णी साईं के पास दौड़ी दौड़ी आई और उनकी आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। उसने श्री साईं के चरण पकड़कर रोते हुए कहा कि बाबा मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है, वे हैजा से मर रहे हैं, आप जल्दी से उदी का आशीर्वाद दें ताकि उनके प्राण बच सके। हे महाराज मेरे सौभाग्य की नाव समुद्र में ना डूबे ऐसा आशीर्वाद दे। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी से कहा कि तुम दुख ना करो, संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आएगी और मृत्यु और जन्म तो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, एक जन्म के अंत के बाद अन्य जन्म की शुरुआत होती है, अतः तू उदास क्यों होती है, तुम ज्ञान की आँखें खोल कर देखो, यहाँ ना तो किसी का आत्मा का जन्म होता है और ना ही किसी की आत्मा की मृत्यु होती है, तुम भी इस नियम से मुक्त नहीं हो, यही नियम तुम्हारे साथ भी है, यही वास्तविकता ध्रुव सत्य है। जैसे परिधान कपड़ा पुराना हो जाता है तो लोग उसे उतार कर फेंकते हैं और नया पसंद आता है तो उसे त्याग करके नया ले लेते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी परिधान के
जीर्ण शीर्ण होने या नापसंद आने पर प्राण उसे छोड़ देता है। यह प्राण तो ईश्वर का अंश है, अक्षय अभंग निर्विकल्प हर समय एक समान रहने वाला है। तुम मुझसे उदी ना मांगो, फटे वस्त्र पर पेबंद लगाने का प्रयास ना करो, उदी की आड़ से उसे मत रोको, उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने दो। मेरी आंखों के सामने अभी अभी वह अपने वस्त्र बदल रहा है और नया वस्त्र उसके सामने है, वह उसे धारण करने की तैयारी कर रहा है। तू उसकी राह में बीच में ना, उसके लिए बाधा ना बन। अप्पा को सदगति मिलने वाली है, आगे चलकर वह मोक्ष को प्राप्त करेगा और तुम्हारी इन आँखों के सामने जो सत्य निश्चित रूप से घटित होगा उसे घटित होने दे। व्यर्थ की व्यथा ना कर, अनावश्यक आंसू ना बहा। श्री साई ने श्रीमती कुलकर्णी को घर लौट जाने को कहा और उसकी आँखों के सामने कुछ ही क्षण में अप्पा के प्राण निकल गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बाबा अप्पा की आत्मा को सदगति प्रदान करे और हम उन्हें दिल से समर्पित अपने अंतरात्मा से प्रणाम करते हैं। साई ज्ञानी श्री अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य का यह पावन कथा अभी जारी है। अगले अध्याय में हम इसे आगे सुनाएंगे और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि बाबा आपके कष्टों को दूर करें। आप लोगों से दिल से आग्रह, अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी बाबा के इस पावन कथा को सुनकर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। और साई ज्ञानेश्वरी का आप सभी भी पाठ करें। बुक नहीं है तो मुझे कमेंट और मैसेज कर दीजिएगा दिए गए नंबर पर। और आप बने रहें साई जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।